हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए फिर डबल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी पे भी डाल सकते हैं, स्वेटर पे, बड़ों के, छोटों के, शॉल पे, ब्लाउज़ पे, किसी पे भी आप ये डाल सकते हैं। और बहुत ही इजी डिज़ाइन है, चार फंदों का डिज़ाइन है, चार लाइनों का डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, वैसे ये चार फंदों का डिज़ाइन है, तो मैंने उस हिसाब से इसमें जो है चार के डिवाइड में फंदे डाले हुए हैं। 16 फंदे मैंने डाले हैं, प्लस एक एक जो मैं साइड्स में डालती हूँ। 10 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि मेरी ऊन जो है वो देखिए पतली ऊन है, तो इसे मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊँगी। फंदे डालने के बाद मैंने उल्टी सिलाई कर ली है, तो अब देखिए कि इसे सीधी सिलाई मैं किस तरीके से करती हूँ। तो देखिए, अब हमें दो सिलाइयाँ, चार सिलाइयाँ बेसिकली जो है सीधी उल्टी की बनानी है। एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। ये वाली सिलाई जो है उल्टी बोली जाती है, जैसे हम इस तरीके से बुनते हैं, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने जो है चार सिलाइयां करनी है। ये दो सिलाइयां, दूसरी सिलाई हो रही है अभी, हमें दो सिलाइयाँ और इसी तरीके से करनी है। ये देख ली, चार सिलाइयाँ मैंने ये सीधी उल्टे की कर ली। एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी करके जो है मैंने ये चार सिलाइयाँ कर ली। अब हम सेकंड कलर लगाएंगे। पहला फंदा तो इसी तरीके से जो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। अब हम तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे हमने बनाए इसके। अब देखिए, ये वाला फंदा जो है चौथा फंदा, जो मैं कह रही हूँ कि चार फंदों का डिज़ाइन है, इसे हमने क्या करना है, इसे आप उतार दीजिए। पहला, दूसरा और ये तीसरी, तीन लाइनें हमने इसकी इस तरीके से निकालनी है। और इस फंदे को ऐसे लेना है, देखिए, और इसको इन तीनों के नीचे से लेकर इस तरीके से धागा लेकर ऐसे निकालना है, और फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे सीधे, अगेन चौथा फंदा देखिए इस तरीके से उतार दिया आपने। पहला इस तरीके से निकाला, दूसरा ऐसे निकाला और ये तीसरा ऐसे निकाला। और जो ये फंदा आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसे आपने इस तरीके से लिया और इन तीनों के नीचे से लिया और धागा लपेटा और ऐसे निकाला। अगेन तीन बुनेंगे, एक, दो और ये तीन। फिर ये फंदा दिख रहा है आपको, उतार दीजिए, एक, दो, तीन। और ये फंदा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे डाल के इन तीनों के नीचे से रख के ऐसे निकाल लीजिए। फिर एक, दो, तीन, अगेन ये फंदा आया चौथा वाला, इसे उतारा आपने, एक, दो, तीन, और इस वाले फंदे पे डाल के ऐसे आपने निकाल दिया। ये लास्ट वाला फंदा, अगेन आप पलट लीजिए। अब तीन लाइनें हमें सीधी सीधे उल्टे की बुननी है। ये लाइन उल्टी, पूरी उल्टी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। उल्टी लाइंस जितनी भी आएंगी सारी उल्टी ही करनी है, हमें उसे कुछ नहीं करना है। देखिए, ये उल्टी लाइन आ गई आपकी। अब एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी और करूंगी मैं। ये लाइन पूरी सीधी और इसके बाद की पूरी उल्टी। तो ये चार लाइनों का ही बेसिकली डिज़ाइन है, चार फंदे और चार लाइंस। पलट लीजिए, ये उल्टी सिलाई आ गई आपकी। ये
देखिए पूरी सिलाई उल्टी, तो यानी कि चार लाइंस और चार फंदों का डिज़ाइन है। चार लाइनें भी हर एक कलर की आप बदल लेंगे। आप चाहे तो मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हैं। मैं अभी आपको दो कलर्स में ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, हमने ये चार लाइनें पूरी करी, मतलब ये करने के बाद दो लाइनें पूरी कर ली, एक उल्टी और एक सीधी। अब हमें ये दूसरा कलर लगाना है, तो देखिए कैसे लगाना है। एक फंदा आप बुनेंगे, देखिए यहाँ पे बनाया है, अब हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम ये दो फंदे सिर्फ यहाँ पे बुनेंगे, जो ये तीन थे इनके बेसिकली हमें सेंटर में बनाना होता है। तो इसे हम एक दो तीन निकाल के इस फंदे से, ये देखिए ये वाला फंदा आपको दिख रहा है, उस फंदे से इस तरीके से निकाल के यहाँ से हम धागा इस तरीके से निकालेंगे। अगेन एक दो और ये तीन, फिर तीन तीन का अपने आप आ जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसे करने की। ये तीन करने के बाद फिर ये उतारेंगे फंदा, एक दो और ये तीन, और ये फंदा दिख रहा है, इसमें से डाल के आप ऐसे निकालेंगे। अगेन एक दो और ये तीन, फिर ये फंदा आपको दिख रहा है, उतारिएगा ऐसे ही निकालिएगा इसका, एक दो तीन। जैसे ये फंदा आपको दिखे इसमें आप इस तरीके से डालिएगा और इन तीनों के बीच में से ऐसे निकालिएगा, फिर एक दो तीन, ये देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। फिर चौथा फंदा आपने नीचे उतारा, इसको इस तरीके से निकाल दिया और इसके चौथे फंदे पे डाल के आपने, चौथी लाइन में बेसिकली डाल के आपने इस तरीके से बनाया, तो देखिए ऐसे। अब उल्टी लाइन सारी उल्टी और उसके बाद दो लाइंस इसी कलर से, एक सीधी और एक उल्टी। ये लाइन पूरी हो रही है उल्टी वाली, अब इसके बाद हम एक सीधी करेंगे और एक उल्टी करेंगे। देखिए इस तरीके से जो है ये आएगा, ये अब एक लाइन सीधी होएगी और एक लाइन उल्टी करेंगे पूरी। देखिए सीधी लाइन हो रही है, एक लाइन सीधी। पर इसके बाद की ये लाइन उल्टी, ये देखिए लाइन पूरी हो गई, यानी कि ये चार लाइनें हमने इसी की डाली है। पहले तो हमने पहला फंदा बुना था, उसके तीन फंदे बाद ऐसा किया था, यहाँ पे हमने पहला फंदा दो बुना, उसके बाद एक फंदा बुना और ऐसा किया। अब अगेन हम जो हमने पहली लाइन पे किया था वही करेंगे, वाइट से यहाँ से इससे, ये देखिए एक दो, पहला फंदा बुनने के बाद दो और ये तीन, ये वाला फंदा आया चौथा, इसे उतार दीजिए, एक दो और ये तीन। थोड़ा सा देख लीजिएगा इस तरीके से करके, क्योंकि हल्का सा फंदा नीचे जाएगा तो सारा निकल जाएगा, तो ऐसे निकला ये। इसमें आपने इस तरीके से डाला फंदा और यहाँ ऐसे इससे बैक से किया और इसे ऐसे निकाला, फिर तीन फंदे, एक दो और ये तीन। आप इसे पांच फंदों का भी कर सकती है। ये आपने उतारा, एक दो तीन, ये फंदा दिख रहा है आपको, देखिए ये इन तीनों लाइनों के बैक से जाएगा और ये देखिए इस तरीके से इसमें से डाल के जो है आपने ये निकाल देना है। इसके बाद अगेन
एक दो और ये तीन, तीन फंदे लिए, ये वाला फंदा उतारा, एक दो, ये तीन निकाले आपने। देखिए ये फंदा आपको दिख रहा है, इसके इस तरीके से लेना है आपने और ऐसे निकालना है, एक दो तीन। अब ये लास्ट है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके फंदे में से डालना है और निकालना है। बेसिकली हमें तीन लाइनें नीचे उतारने के बाद जो चौथी लाइन होती है उस पे जो है हमें ये फंदे पे निकालना है, ठीक है। तो ये उल्टी लाइन तो सारी ही उल्टी ही करनी है हमें, उसमें हमें कुछ नहीं करना। जो सीधी लाइन्स है इसके बाद हम जो है एक सीधी और एक उल्टी करेंगे और नेक्स्ट वो लगाएंगे। तो आप डिफरेंट कलर के कलर्स भी लगा सकते हैं इसमें, ये शॉल के लिए भी सही रहेगी, ब्लाउज़ में भी आएगा बहुत बढ़िया डिज़ाइन इसका, और चाहे तो बच्चों के स्वेटर पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, नीचे एक पैटर्न मैंने इसका बना रखा है और ये देखिए ये वाला पैटर्न। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका बनता जाएगा, करना कुछ नहीं है, यही चार लाइन्स आपने रिपीट करनी है, चार फंदे और चार लाइन्स, इसी तरीके से आपने इसे रिपीट करते हुए जाना है। और ये डबल कलर का डिज़ाइन अलग अलग उससे बनेगा और तैयार हो जाएगा। थैंक यू।